भाई अब जाके बन के तैयार हो गया हमारा चूल्हा। और आंटी जी से तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, हमारे गाँव भी चलो, गाँव भी बना रहा जी एक दो। हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह सुबह की राम राम भाई। और भाई दोस्तों, आज हम बना रहे हैं भाई चूल्हा, और आंटी जी आई है चूल्हा बनाने के लिए। माधोपुर की आंटी जी आई है, ये मतलब इनका क्वार्टर पीछे की तरफ है। तो मैं इनसे बहुत दिन से बोल रही थी, आंटी जी मुझे एक चूल्हा बना देना, तो ये बोल रही थी बना दूंगी चूल्हा। तो आज जाके मतलब इनको टाइम मिला है, तो आज जाके आई मेरे पास और चूल्हा बना रहे हैं। तो हमने देखो सारी चीज़ मतलब घर में से कुछ भी नहीं लिया है, सब मतलब खाका से लेके आई हूँ, चलो बताती हूँ। तो ये आंटी जी ने स्टार्ट कर दिया चूल्हा बनाना। माटी हम बाहर से लेके आए हैं, सीमेंट भी बाहर से, और इसमें जो ग्यार देते हैं तूड़ा वगैरह, वो आंटी जी के घर से लेके आए। सारे टोटी बताओगे। और ये ईंट भी भाई हमारी कौन, ये भी हम कोई कैसे उठा ले। चूल्हा चूल्हा काम कर रहे हैं। तो ये आंटी जी को आता है चूल्हा बनाना, अच्छा आता है इनको, मतलब जितनी कॉलोनी में कोई एक दो घर छोड़ दिया होगा ना, सगन का चूल्हा बनाया ही। कल लाए बावन, अब बहुत है। अब ये कदर है, ये चक्कर का मार जा। अच्छा अच्छा वो ठेला लगा था। अच्छा तो बनाई तोड़ के। हां ये यहां से छा भी ना गारा को ना बनाएगो, माटी को, माटी को चूल्हे कर रहा हूँ। अभी बना दिया आंटी जी ने, और अभी ताली सही कर रही हैं। आंटी जी चूल्हा बना रही है, हाँ चूल्हा बनवा रही थी मैं। तो वही आंटी जी ने पूरा चूल्हा बना दिया है, यहाँ से मुंह वगैरह बना रही है अभी तो। और मैंने तो वही गार गार दिलाई थी, कुछ नहीं किया है। चुड़ाई चुड़ाई हुई हाल तो पलस्तर हुए बाल। भाई देखो अभी तो ये मिस्त्री बैठे हैं बहुत दूर के हैं, और ये चूल्हो बना दियो तब वो धर देखे। अभी मतलब पूरा ना हुई हाल तो, सब पलस्तर वगैरह करेंगे ना जो हो हाल तो सफाई सु, तो मैंने तब वो धर देखे तब वो भी सही बैठ गो। और दोस्तों ये आंटी जी हमने स्पेशली माधोपुर से आई है हमारे लिए चूल्हा बनाने के लिए, और ये मतलब बहुत अच्छा चूल्हा बनाती है, काफी दिन से बोल रहे थे तो अब जाके आई है ये, इन्होंने अब चूल्हा बनाना सुबह से ही स्टार्ट कर दिया है। अभी तो इसकी मतलब पॉलिश वगैरह सब हो गया, अभी तो मतलब ढांचा तैयार किया है। तो अभी कर दोगी कंटी जी इसकी पॉलिश? हाँ जी, वो क्यों तो जाम है। हाँ जी, अच्छा ये काफी दिन से पीछा पड़ रही है, इसमें आँच नहीं लगती ढंग से, उठा के रखो ये करो ये चूल्हे की। तो दोस्तों ये चूल्हा हम मिट्टी और सीमेंट और रेत से बना के मिला के बनाएंगे, मतलब ताकि ये मजबूत रहे और ज़्यादा दिनों तक चल सके। हाँ तो बस तो ऐसा ही चाहिए आंटी जी। नहीं ना सही है। तो वही अभी हम चूल्हा की पॉलिश कर रहे हैं सीमेंट से, पजरी से।
इससे क्या फूटेगा नहीं, बारिश वगैरह भी आ जाएगी तो पक्को बना रहेगा हमेशा हमेशा। आंटी जी ने तो निशा कर दी, हम जब तक यहाँ रिंगा नहीं जब तक की चूल्हा तो दोस्तों अब हमारा चूल्हा बन के तैयार हो गया, हल्की फुल्की कसर रह रही है। तो भाई आज तो सारे दिन ही सिमेंट निकाल दिया हमने बनाने में। भाई अगर किसी को चूल्हा बनवाना है ना मेरे जैसा, नजर तो लगाना मत इसके, तो आंटी जी से संपर्क करवा देंगे, आपके बनाए के आ जाएगी। भाई आंटी जी क्या कृपा देंगे चूल्हे बनाए का? तो भाई आंटी जी ना एक चूल्हे बनाए के 1000 रुपए और कम से कम 3-4 तरह का नाश्ता देना पड़ेगा तब जाके आएंगी। झूठ बोल रही है, मजाक कर रहे हैं भाई। तो भाई अब जाके बनके तैयार हो गया हमारा चूल्हा। और आंटी जी से तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, हमारे गांव भी चलो, गांव भी बना रहा जी एक दो चूल्हा। हाँ तो दोस्तों आंटी जी आज सुबह से ही लग रही है, तो अब जाके आंटी जी ने पूरा चूल्हा बनाया है और मतलब बहुत अच्छा चूल्हा है, इसमें काफी आदमियों का खाना एक साथ बन सकता है। अब इसको चालू करेंगे सूखने के। हाँ बोल रही है कि बहुत मजबूत चूल्हा है, सीमेंट और मिट्टी से बनाया हुआ। अब देख लीजिए आपको और मैं पास से बता देता हूँ, देखो कितनी मतलब सजावट दी है। तो अभी खेलू भी पता नहीं इसमें क्या करने में लग गया, अब तो पूरा बन गया फिर भी। हाँ तो दोस्तों अभी हम चूल्हे से बना के फ्री हो गए, हम नहीं मतलब मैं तो नहीं खेलू, और अभी इसको भूख लगी है तो मैं कचौरी लेके आया था, तो इसको कचौरी। तो देखो इसके हाथ कैसे हो गए, सीमेंट से कट गए हैं हाथ, तो वो फैन लेती ना कुछ हाथ में, सीमेंट से तो ऐसे कटते हैं। तो अब तो जल्दी कर ला है और मतलब थोड़ी देर लेटूंगा, ना आराम भी करूंगा, रेस्ट है तो आज यार नहा लूंगा, नहा लेता हूँ मैं तो, खा ले जल्दी।